पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी पहले दो चरणों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जिसमें 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है, जहां सबकी नजरें शुभेंदु अधिकारी की सीट को लेकर है। बीजेपी ने अब तक शुभेंदु की सीट को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब शुभेंदु की सीट को लेकर माथापच्ची जारी है। कल ममता बनर्जी ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता 291 प्रत्याशियों के साथ मैदान पर उतरेंगी। वहीं 3 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई हैं। ममता बनर्जी ने महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। वहीं 42 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होंगे। 28 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी पत्ता काट दिया गया है। ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। 10 मार्च को ममता नामांकन करने जाएंगी। वहीं 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन वो नंदीग्राम से हुंकार भरेंगी। ममता की चुनावी क्षेत्र भवानीपुर से शोभन देव को टिकट दिया गया है। वहीं इस बार चुनाव में कई सितारों को शामिल किया गया है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हुबली की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही ममता ने जीत की हुंकार भरी। ममता ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदी 120 सीट पर भी रैली करें तो भी वो टीएमसी को नहीं हरा सकते। वहीं दीदी ने चुनाव आयोग पर भी तंज मारा। दीदी का कहना था कि अगर मतदान 294 चरणों में होंगे तो भी टीएमसी बंगाल में नहीं हारेगी। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। राज्य के सीएम सर्वानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को जालुकबारी सीट से टिकट मिला है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने अपने दोनों सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एजीपी 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर झटका लगा है। पहले कोलकाता और अब कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की इजाजत नहीं दी है। कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ओवैसी की यह रैली आज होनी थी। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से ओवैसी के लिए राहत की खबर आई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने ओवैसी के चुनाव चिन्ह पतंग को हरी झंडी दे दी है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में रिया के अलावा उसके भाई शौविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, क्षितिज प्रसाद का नाम भी है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनीति जारी है। इस बीच आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में ही रेड पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पिछली सरकारों में ऐसा हल्ला क्यों नहीं मचा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए। आज किसान मानेसर पलवल हाईवे पर 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। 9 मार्च को किसान संगठन फिर से बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के बीच कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।